जी अभी तो फैसला हुआ है, मुझे पूरा विश्वास है, जुडिशरी पे मैं विश्वास है कि फैसला आने वाले वक्त में सही फैसला होगा और इसमें कोई जो जो इन्होंने कोशिश की है जिस प्रकार से मैसेज देने की उसमें ये कामयाब नहीं होंगे। राहुल गांधी एक बहुत ही साहसी हिम्मत वाला शख्स है और मोदी जी जैसे व्यक्ति से मुकाबला वही कर सकते हैं। एनडीए गवर्नमेंट से मुकाबला करने में राहुल गांधी सक्षम है। आप देख लो अकेला मुकाबला करता आ रहा, वो लंबी यात्रा निकाली उन्होंने, पूरे देश को उद्वेलित कर दिया कि महंगाई, बेरोजगारी, हिंसा और अमीर गरीब की खाई बढ़ती जा रही है, चारों मुद्दे बहुत महत्वपूर्ण हैं। उस पर तो ध्यान जाता नहीं है मोदी जी का, अमित शाह जी का, एनडीए गवर्नमेंट का, और ध्यान जाता है इनका बदला लेने का। दिल्ली पुलिस को उनके घर भेज दिया, मुझे तो हंसी आती है, 50 साल मुझे राजनीति करते हुए हो गया। अगर कोई नेता जाके किसी राज्य में दौरे करे और उस राज्य के हालात के बारे में जो उसको फीडबैक मिला है उसको वो जनता ने शेयर करे मीडिया के माध्यम से, उसको लेके आपने केस भी दर्ज कर दिया और पूछताछ शुरू कर दी और उनके घर चले गए, नोटिस दे रहे हैं, क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ये केस मेरे ख्याल से 75 साल में एक पहला केस होगा जो दिल्ली पुलिस ने जिस प्रकार से रजिस्टर्ड करके राहुल गांधी के घर पे पहुंच गए। इसकी तो पूरे देश घोर निंदा कर रहा है, इनको समझ में नहीं आ रही है। अभी बहुत घमंड में अहम में चल रहे हैं मोदी जी भी और अमित शाह जी, इनकी पार्टी में भी ये बहस शुरू हो गई है, ये क्यों मजाक उड़वा रहे हैं पार्टी की। बोलते नहीं है मोदी जी के सामने जाने की जितनी हिम्मत भी नहीं है। हमारे 25 मेंबर पार्लियामेंट राजस्थान के हैं, ERCP जैसे मुद्दे को लेके वो जाके मोदी जी को कहने हिम्मत नहीं कर सकते हैं। मंत्री यहाँ का है शेखावत, अगर उनकी ये हैसियत नहीं रही है कि जाके सच्चाई बता सके राजस्थान के बारे में, तो इनसे क्या उम्मीद कर सकते हैं। इनकी पार्टी में हालात बहुत, एक इनकी पार्टी में भी आप समझ लीजिए तानाशाही रवैया हो गया, कोई बोल नहीं पा रहे हैं, इसलिए हालात बड़े गंभीर हैं। अभी आप देखिए समित पात्रा, अब समित पात्रा जैसे लोग जो है कल राजनीति में बैठने लगे हैं स्पोक्स पर्सन के रूप में, क्या लैंग्वेज काम देते हैं, किस निम्न स्तर पर जाते हैं, बिलो द बेल्ट हिट करते हैं, इतने घटिया स्तर के कमेंट करते हैं, वो इनका चेहरा है बीजेपी का, और बीजेपी हेडक्वार्टर बैठ करके वो राहुल गांधी को कहते हैं।